उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मदरसा आधुनिकीकरण से जुड़े 33 मदरसे के अध्यापक व अध्यापिकाओं ने आज मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार का बाहर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करने के बाद एक ज्ञापन मुरादाबाद के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम भेजा है। धरना प्रदर्शन करने वाले मदरसा शिक्षकों का आरोप है कि लगभग 54 माह से सरकार द्वारा मदरसा शिक्षकों का वेतन नहीं भेजा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का वेतन राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को वेतन न देकर केंद्र सरकार को वापस कर दिया गया, जिसको लेकर शिक्षकों में काफी रोष है और वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मदरसा शिक्षिका नूरबानो ने कहा कि सरकार की तरफ से 54 माह से शिक्षकों का वेतन नहीं आया है। हम सभी शिक्षक बुरे दौर से जूझ रहे हैं, लिहाजा हमने एक ज्ञापन मुरादाबाद जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम भेजा है, जिसमें हमने अपने वेतन दिलाने की मांग की है। लॉकडाउन के कारण हम परेशान हैं, 4.5 साल से हमें वेतन नहीं मिला है, हम भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। नूरबानो सर, हमारी सैलरी रुकी हुई है 54 महीने से, पिछले हमारी सैलरी नहीं आई है, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर हम मदरसा टीचर्स हैं, हम 11 मदरसे के टीचर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस टाइम, और जो हमारी सैलरी आई थी वो 31 मार्च को वापस हो चुकी है। ऑफिस जाते हैं तो विवाद बता दिया जाता है कि मैनेजमेंट कमेटी का है, लेकिन उसमें हमारी सैलरी रोकी जा रही है, कम से कम हमारी सैलरी तो मिलनी चाहिए। सर हम किस प्रॉब्लम को फेस करना है इस टाइम ये हम ही जानते हैं, 54 महीने से सैलरी ना मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सर प्रॉब्लम तो यही है, यहाँ से हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो पा रही है, अगर कुछ करें सर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाह रहा, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। जी सर हम मिलते हैं तो कुछ आश्वासन तो सब दे देते हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। सर बहुत टाइम हो गया हमें चक्कर लगाते लगाते, 31 मार्च को हमारी सैलरी जो आई हुई थी वो भी वापस हो चुकी है। जी सर, सर ये हमने इसी बात का दिया है कि कम से कम हमारी सैलरी आ जाए और टाइम पर हमें सैलरी मिल जाए, हम कितनी परेशानियों में हैं, हमारी परेशानी देखने वाले टीचर्स ही कोई नहीं है। आश्वासन ही दे दिया उन्होंने भी, देखिए क्या होता है।